हेलो स्टूडेंट, सो अगेन माई सेल्फ नरेंद्र कुमार फ्रॉम विद्या मंदिर क्लासेस। तो ये जो मैं वीडियो सीरीज़ चला रहा हूँ, इसके अंदर आपके लिए जो जेई एडवांस के क्वेश्चंस हैं, ऑफिशियल क्वेश्चंस 2007 से 2018 तक इनका डिस्कशन कर रहा हूँ। तो अभी ये फिजिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चंस का डिस्कशन चल रहा है। तो प्रीवियस जो मैंने तीन वीडियोज़ बनाए हैं, उसके अंदर आप 2011 तक के क्वेश्चन पेपर्स का डिस्कशन हो चुका है। क्लास 11th फिजिकल केमिस्ट्री हो रहा है। फिजिकल केमिस्ट्री 12th का अभी आएगा, इसके बाद में इसी सीरीज में चलता जाएगा सीज के लिए। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। देखिए आप अपनी स्क्रीन पे ये एक क्वेश्चन आपको नजर आएगा। फॉर वन मोल ऑफ ए वैन डर वाल्स गैस व्हेन बी इक्वल्स टू जीरो एंड टी इक्वल्स टू 300 केल्विन द पीवी वर्सेज वन बाई वी प्लॉट इज शोन बिलो। द वैल्यू ऑफ द वैन डर वाल्स कॉन्स्टेंट ए एटमोसफियर लीटर स्क्वायर पर मोल स्क्वायर में क्या है। तो देखिये यहाँ पे बड़ा सिंपल सा है कि हमें एक ग्राफिकल एनालिसिस करना है इसका, और कुछ नहीं करना। और कह रहा है कि ग्राफ नॉट टू बी नॉट टू स्केल, बट कुछ वैल्यूज दे रखी है हमें, हम उसको इजीली यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें पता है कि जो हमारे पास में वैन डर वाल गैस इक्वेशन है वो पी इक्वल्स टू ए एन स्क्वायर बाय वी स्क्वायर इंटू वी माइनस एन बी इक्वल्स टू एन आर टी होता है। एन मोल गैस के लिए हमने यहाँ पे कंसिडर कर लिया। अब क्वेश्चन में एक तो यही कह रहा है कि वन मोल ऑफ वैन डर वाल्स गैस है, तो इसका मतलब जो हमारा एन है उसकी वैल्यू जो है सब जगह हमने क्या कंसिडर कर लेनी है, वन कंसिडर कर लेनी है। तो एन की वैल्यू को वन कंसिडर करेंगे तो ये पी प्लस ए बाई वी स्क्वायर इंटू वी माइनस बी इज इक्वल्स टू आर टी की फॉर्मेट में आ जाएगा ये। फिर क्वेश्चन ये रीड कर रहा है कि इस वैन डर वाल गैस के लिए जो बी की वैल्यू है वो जीरो है। तो देखिए यहाँ पे ये बी की वैल्यू जो है जीरो है, इसको हमें जीरो पुट अप कर देना है। तो एक्सप्रेशन बन जाएगा पी प्लस ए बाई वी स्क्वायर इंटू वी इज इक्वल्स टू आर टी। और अब ये जो हमें कह रहा है कि पी वी वर्सेज वन बाई वी हमें एक कर्व प्लॉट करना है, तो इसको इस फॉर्म में लेकर के आना हमें। तो हम इसको वी से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये पी वी प्लस ए बाई वी इज इक्वल्स टू आर टी हो जाएगा, और ये पी वी इज इक्वल्स टू आर टी माइनस ए बाई वी हो जाएगा। तो अब ये माइनस ए बाई वी आ गया हमारे पास में। तो अब इस इक्वेशन को अगर हम देखेंगे तो ये सिंपल सा वाई इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी टाइप की इक्वेशन हो गई। तो इसका मतलब है एक्स एक्सिस पे हम वन बाई वी रख लेंगे और वाई एक्सिस पे जो है हम पी वी रख लेंगे, तो हमारा कर्व आ जाएगा। उस कर्व का जो स्लोप है, ये जो लाइन है, इस लाइन का जो हमारा स्लोप होगा वो ये स्लोप आ जाएगा माइनस ए इसका स्लोप आ जाएगा। तो स्लोप देखिए इस लाइन के अंदर आपको नजर आ रहा है नेगेटिव स्लोप है। और स्लोप हम सिंपल सा निकाल सकते हैं यहाँ पे इस कर्व के बेसिस पे, आप बता सकते हो स्लोप की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी। तो ये हमारे पास में जो वाई एक्सिस है, इस वाई एक्सिस से हमें ये मिल जाएगा 21.6 माइनस 20.1 करके हमें जो है वी की वैल्यू आ जाएगी, चेंज इन वॉल्यूम की वैल्यू आ जाएगी, या चेंज इन पीवी की वैल्यू आ जाएगी सॉरी। और ये यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो हमारे पास में चेंज इन वन बाई वी की वैल्यू में आ जाएगा। तो फिर यहाँ से क्लियरली आप स्लोप की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। तो स्लोप की वैल्यू को अगर हम देखेंगे तो ये जो हमारा स्लोप होगा इज इक्वल्स टू ए के बराबर होगा। और इस क्वेश्चन में हमें जो फाइंड आउट करना है वो वैन डर वाल्स कॉन्स्टेंट ए ही फाइंड आउट करना है, लीटर स्क्वायर एटमॉस्फेयर पर मोल स्क्वायर के अंदर। तो ये होगा हमारे पास में जो वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है, 21.6। स्लोप नेगेटिव होगा तो ये हम इसको रिलेट करके हम कह सकते हैं 21.6 माइनस 20.1 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 2। तो ये ए की वैल्यू हो जाएगी, स्लोप नेगेटिव और ए की वैल्यू भी हमारी नेगेटिव है, तो नेगेटिव साइन मैंने यहाँ पे एलिमिनेट कर दिया। इसको आप सॉल्व कर सकते हैं कि ये वैल्यू जो है आपकी क्या हो जाएगी। तो सिंपल सा वन ही हो गया। तो यहाँ पे क्लियरली नजर आ रहा है कि ये 1.5 हमारी वैल्यू हो गई ए की। तो बड़ा इजी क्वेश्चन है, बट थोड़ा इनोवेटिव तरीके से इस क्वेश्चन को पूछा गया है। नॉर्मली मतलब हम इस टाइप से एनालिसिस नहीं करते हैं ए की वैल्यू को प्रेडिक्ट करने के लिए। नेक्स्ट, तो इसका ऑफिशियल आंसर जो है हमारा सी आ गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द सेकेंड बोर ऑर्बिट ऑफ ए हाइड्रोजन एटम इज, सेकेंड बोर ऑर्बिट में हाइड्रोजन एटम की काइनेटिक एनर्जी को हमें फाइंड आउट करना है। तो वैसे तो देखिए काइनेटिक एनर्जी के एक्सप्रेशंस हम बना के रखे हुए होते हैं, ठीक है,
उसको यूज कर सकते हैं, बट यहाँ पे ऑप्शंस को अगर आप ध्यान से देखोगे तो जो हमारे कन्वेंशनल फॉर्मूलाज होते हैं अक्सर जो हम क्लास में यूज करते हैं उस फॉर्मेट में इसको नहीं दिया हुआ है। तो इसका मतलब एग्जामिनर चाहता है कि आप उसको वापस से डिराइव करेंगे काइनेटिक एनर्जी का जो एक्सप्रेशन है। तो काइनेटिक एनर्जी के एक्सप्रेशन को हम इजीली डिराइव कर सकते हैं। तो सिंपल सा हमारे पास में जो हम यूज करेंगे, एक तो एम वी आर इज इक्वल टू एन एच अपॉन टू पाई यूज कर लेंगे और काइनेटिक एनर्जी हमारे पास में होती है। तो देखिए हम जानते हैं कि किसी पार्टिकल की जो काइनेटिक एनर्जी है वो हाफ एम वी स्क्वायर हो जाएगी, और बोर्स थ्योरी के अनुसार जो एंगुलर मोमेंटम है वो एन एच अपॉन टू पाई आ जाएगा इसके लिए। तो यहाँ से अगर सपोज हम क्या करेंगे कि काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन हमें फाइंड आउट करना है, तो इस काइनेटिक एनर्जी के एक्सप्रेशन में यहाँ से वेलोसिटी का एक्सप्रेशन निकाल करके सब्सिट्यूट कर देते हैं, तो ये आ जाएगा हमारे पास में हाफ, और वेलोसिटी का एक्सप्रेशन जो हो जाएगा वो एन एच अपॉन एम आर, और ये 2π हो जाएगा और इसका ये स्क्वायर होगा। तो अभी मैंने यहाँ से वेलोसिटी का एक्सप्रेशन निकाल करके यहाँ पे सब्सिट्यूट कर दिया। अब यहाँ पे एक और एक्सप्रेशन हम सब्सिट्यूट कर सकते हैं और वो आर का कर सकते हैं। तो किसी nth ऑर्बिट के अंदर जो बोर्स रेडियस होती है वो फर्स्ट ऑर्बिट के अंदर जो बोर्स रेडियस होती है उसका एन स्क्वायर इंटू जेड की फॉर्म में होगा, जेड उसका एटॉमिक नंबर है। तो ये यहाँ पर हाइड्रोजन एटम की बात कर रहा है, तो जेड तो हमारा क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा, तो इसको हम यहीं पे एलिमिनेट कर सकते हैं और आर की वैल्यू को हम यहाँ पे सब्सिट्यूट कर देते हैं। तो ये जो काइनेटिक एनर्जी आएगा हमारे पास में वो जाएगा हाफ एम एन एच अपॉन, ये एम है, आर को अब हम सब्सिट्यूट कर रहे हैं, तो आर की वैल्यू को सब्सिट्यूट करेंगे तो ये ए नॉट एन स्क्वायर, ठीक है, ए नॉट एन स्क्वायर ही आ जाएगा, और ये 2π हमारा एज इट इज लगा ही रहेगा। अब जो है अब इनकी सबकी वैल्यू सब्सिट्यूट कर देते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हाफ है हमारा और ये m है, ये हो जाएगा n स्क्वायर, ये हो गया है हमारा n स्क्वायर और ये h स्क्वायर हो गया, और ये यहाँ पे m स्क्वायर हो गया, a नॉट स्क्वायर हो गया, ये n की पावर 4 हो गई, ये 4 हो गया और ये पाई स्क्वायर हो गया। तो ये जो है एक हमारा एम एम कैंसिल हो जाएगा, एक एन स्क्वायर और एन की पावर 4 से एलिमिनेट हो जाएगा। अब फाइनली जो एक्सप्रेशन रहेगा वो है हाफ एच स्क्वायर अपॉन ये 4π स्क्वायर, ठीक है, ये 4π स्क्वायर हो गया, ए नॉट का स्क्वायर और एन का स्क्वायर आ गया। अब मैं एन की वैल्यू को सब्सिट्यूट करने वाला हूँ, सेकेंड बोर्स ऑर्बिट के लिए ये बात कर रहा है। तो सेकेंड बोर ऑर्बिट के लिए हम देखेंगे तो जो काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन होगा वो हाफ एच स्क्वायर अपॉन 4π स्क्वायर और ये ए नॉट स्क्वायर, सेकेंड बोर्स ऑर्बिट है तो इसका मतलब एन स्क्वायर का मतलब अगेन ये हमारा 4 आ जाएगा। तो ये 4 और 4 16 हो जाएगा, 16 इंटू 2 जो है 32 हो जाएगा। तो सिंपल सा एक्सप्रेशन बन जाएगा एच स्क्वायर अपॉन 32π स्क्वायर, ठीक है, और एक m हमारा यहाँ पे बचा हुआ है, सॉरी, तो ये m जो है यहाँ पे भी छूट गया मुझसे, मैं यहाँ पे प्लेस कर देता हूँ, ये m और ये m स्क्वायर था, यहाँ पे भी एक m हमारा और आ जाएगा इंटू m। सो 32, ये 4 एंड 4, 4 इंटू 4 16, 16 इंटू 2 32 हो जाएगा, ये पाई स्क्वायर m a नॉट स्क्वायर, ये जो है काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन बन जाएगा सेकेंड बोर्स ऑर्बिट के अंदर। सो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एच स्क्वायर बाई 32π स्क्वायर एम ए नॉट स्क्वायर। तो ये 32 तो हमें एक ही ऑप्शन में नजर आ रहा है और वो ऑप्शन सी में नजर आ रहा है, तो एच स्क्वायर बाई 32π स्क्वायर एम ए नॉट स्क्वायर यही है, एच स्क्वायर अपॉन 32π स्क्वायर एम ए नॉट स्क्वायर। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आंसर सी इसका करेक्ट आंसर है, ऑफिशियल आंसर से आप चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच ऑर्डरिंग of compounds is according to the decreasing order of the oxidation states of nitrogen. Nitrogen के चार compounds given है, इनमें nitrogen की oxidation states को हमें find out करना है। तो देखिए यहाँ पे decreasing order बताना है, तो nitric acid में nitrogen की oxidation state maximum होती है, तो इसका मतलब है जो मेरा answer है वो A, B और C से ही कुछ होगा, और N2 के अंदर जो nitrogen की oxidation state है वो 0 होगी, but decreasing order हमें consider करना है। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर कंसिडर करने का मतलब है कि -3 तो लोवेस्ट हो जाएगी इसकी, +5 मैक्सिमम होगी और -3 जो है वो लोवेस्ट हो जाएगी, और -3 जो है आपको अमोनिया अमोनियम क्लोराइड के अंदर
या अमोनिया में नाइट्रोजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है -3 होती है. तो ऑब्वियस है कि पहले मुझे फर्स्ट प्लेस पे HNO3 होना चाहिए और लास्ट प्लेस पे मेरा NH4Cl होना चाहिए, तभी डिक्रीजिंग ऑर्डर जो है आएगा. अब ऐसा ऑप्शन एक ही है, फर्स्ट प्लेस पे HNO3 है और लास्ट ऑप्शन पे अमोनियम क्लोराइड है, तो बीच में अंडरस्टूड है कि वो उस ऑर्डर के अंदर आएगा या आएगा. NO में +2 है और N2 के अंदर 0 है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट का ऑर्डर हो गया +5, +2, 0 एंड -3. ये डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द ऑक्सीडेशन स्टेट, वेरी इजी क्वेश्चन. तो ये आंसर इसका बी करेक्ट आंसर आ रहा है. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं और ये जो है कह रहा है कि फॉर एन आइडियल गैस कंसिडर ओनली PV वर्क इन गोइंग फ्रॉम एन इनिशियल स्टेट X टू द फाइनल स्टेट Z. द फाइनल स्टेट Z कैन बी रीच्ड बाय आइदर ऑफ द टू paths शोन इन द फिगर. विच ऑफ द फॉलोइंग choices इज आर करेक्ट. टेक डेल्टा S एज चेंज इन एंट्रोपी एंड W एज वर्क डन. तो इस पाथ को, ये जो हमारे पास में दो प्रोसेसेस हैं, ठीक है, PV वर्क इसमें हमें विजुलाइज करना है, इनको अगर हम कंपेयर करते हैं तो देखिए, सबसे पहले ये जो हमारे पास में XY जो प्रोसेस है ये आइसो बेरिक प्रोसेस है, प्रेशर इसके अंदर जो है वो कांस्टेंट है. और Y2Z अगर हम देखेंगे तो ये आइसोकोरिक प्रोसेस है, ठीक. और अब यहाँ पे डेल्टा S की बात अगर करेंगे तो डेल्टा S जो होता है हमारा स्टेट फंक्शन होता है. तो स्टेट फंक्शन का मतलब है कि जिसकी वैल्यू जो है उस प्रॉपर्टी में जो चेंज है वो इनिशियल और फाइनल स्टेट पर डिपेंड करेगा. तो ये जो X to Y और Y to Z वाला पाथ है और X से Z डायरेक्ट पाथ है, दोनों के अंदर एंट्रोपी में जो चेंज होगा वो सेम होगा. दोनों में एंट्रोपी में जो चेंज होगा वो क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा. तो X to Z जो एंट्रोपी में चेंज होगा वो X to Y एंट्रोपी में जो चेंज है और Y to Z प्रोसेस में एंट्रोपी में जो चेंज है, इनका जो सम होगा वो X to Z एंट्रोपी में चेंज के बराबर होगा. तो ये ए ऑप्शन तो हमारा करेक्ट आया गया. बट हम ऐसा वर्क डन के लिए नहीं कह सकते, ठीक है, कि भाई ये जो हमारे पास में X to Y to Z जो वर्क डन है वो दोनों का जो है सम के बराबर हो जाएगा. बिल्कुल हो जाएगा, लेकिन Y to Z जो है उसमें वर्क डन तो जीरो है हमारा. Y to Z जो है उसमें वर्क डन तो हमारा जो है वो जीरो आ जाएगा. X to Z ये नहीं कह सकते हो आप कि X to Z जो वर्क डन होगा वो दोनों प्रोसेसेस में वर्क डन जो होगा वो उसका सम ही होगा, क्योंकि वर्क जो है वो पाथ डिपेंडेंट होता है. अलग अलग पाथ में वर्क डन जो है वो अलग अलग हो जाएगा. तो इसलिए आप डायरेक्टली X to Z जाओगे तो वर्क में चेंज नहीं आएगा. तो X to Y वर्क कुछ होगा ही होगा, लेकिन Y to Z जो है वर्क वो जीरो हो जाएगा, क्योंकि आइसोकोरिक प्रोसेस है. आइसोकोरिक प्रोसेस के वॉल्यूम में चेंज नहीं होगा और ये एक टाइप का इरिवर्सिबल प्रोसेस ही होगा. तो ए ऑप्शन ठीक है और सी ऑप्शन ठीक है. तो यहाँ पे ए और डी में से कोई एक करेक्ट हो सकता है, बी और सी में से कोई एक करेक्ट हो सकता है, तो इसलिए यहाँ पे दो ही ऑप्शन करेक्ट होने नजर आ रहे हैं, ए एज वेल एज सी. तो ऑफिशियल आंसर चेक कर लेते हैं क्या, वो हमारा ए एंड सी ही ऑफिशियल आंसर है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है. नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर ये हमें कह रहा है कि हमारे पास में एक स्टॉक सॉल्यूशन है HCl का, वेट बाय वॉल्यूम, और उसका डेंसिटी जो है वो गिवन है. मॉलिक्यूलर वेट ऑफ HCl इज गिवन. वॉल्यूम ऑफ स्टॉक सॉल्यूशन रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 200 ml सॉल्यूशन ऑफ 0.4 मोलर HCl इज. तो इस क्वेश्चन में सिंपल सी कैलकुलेशन है, जो आप बेसिक स्टोइकोमेट्री करते हो उसी को यूज किया गया है. तो हमने ये कोई एक स्टॉक सॉल्यूशन ले लिया HCl का हमारे पास में, विजुलाइज कर लेते हैं. क्वेश्चन को हमेशा विजुलाइज करना चाहिए कि ये क्या कहना चाह रहा है. स्टॉक सॉल्यूशन हमने ले लिया HCl का, ये स्टॉक सॉल्यूशन है. इस स्टॉक सॉल्यूशन के अंदर जो हमारे पास में HCl है वो 29.2% वेट बाय वेट है और इसकी जो डेंसिटी है वो 1.25 ग्राम पर ml इसकी डेंसिटी है. अब इसका कुछ वॉल्यूम हमने लिया होगा, ठीक है, और फिर इसको जो है हमने चेंज किया होगा. तो देखिए, यहां से हमने कुछ स्टॉक सॉल्यूशन सेपरेट किया, HCl ले लिया, इसका कुछ वॉल्यूम ले लिया होगा हमने VML, और फिर इसको हमने एक HCl में कन्वर्ट कर दिया होगा जिसका वॉल्यूम जो है वो 200 ml होगा और उसकी जो मोलैरिटी है वो 0.4 मोलर होगी, ठीक है. तो अब साफ नजर आ रहा है कि यहां से जितना भी हमने सेपरेट किया इसमें HCl के कुछ मोल्स हैं. अब यहां पे HCl के जितने मोल्स होंगे उतने ही मोल्स यहां पे होंगे. इस वॉल्यूम से इस वॉल्यूम तक जाते समय हमने बिल्कुल फाइनली वाटर ही ऐड किया होगा और तो कुछ ऐड किया नहीं होगा. तो यहां पे क्लियर हमारा जो है वो आंसर आ जाता है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl इन दिस सिचुएशन
आर इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl इन दिस सिचुएशन. तो ये यहाँ पर जो नंबर ऑफ मोल्स हैं और यहाँ पे जो नंबर ऑफ मोल्स हैं HCl के वो इक्वल हो जाएंगे. अब देख लेते हैं यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स HCl के कितने हैं. यहाँ पे ये हमने VML सॉल्यूशन लिया है और हमें इस सॉल्यूशन की जो डेंसिटी है और इस सॉल्यूशन की जो डेंसिटी है वो सेम ही होगी. इसका जो परसेंटेज कंपोजिशन है और इसका परसेंटेज कंपोजिशन जो है वो सेम होगा. देखिए परसेंटेज कंपोजिशन एक कॉन्सेंट्रेशन है. तो एक बड़े सैंपल में से छोटा सैंपल अगर आप बाहर निकालोगे तो उसका कंपोजिशन चेंज नहीं होगा. हम एक कोल्ड ड्रिंक की बॉटल ले लेते हैं, ठीक है. बॉटल के अंदर जो भी हमारा एक सॉल्यूशन है उसका एक कंपोजिशन है. उस कंपोजिशन को आप किसी भी यूनिट में रिप्रेजेंट कर दीजिए. उस कोल्ड ड्रिंक की बॉटल से थोड़ा सा कोल्ड ड्रिंक अगर ग्लास में हम ले लेते हैं तो ग्लास वाले सॉल्यूशन का, ग्लास वाली कोल्ड ड्रिंक का कंपोजिशन बॉटल में जो रिमेनिंग है या बॉटल में जो पहले से था उससे डिफर नहीं करेगा. समझ रहे ना सीज के लिए. तो ये हम जो कंपोजिशन टाइप्स इसको विजुलाइज कर रहे हैं सीज के लिए. तो यहाँ पे जो है हमने ये वॉल्यूम ले लिया. तो अब इसका हम निकाल लेते हैं कि मोल्स इसके कितने होंगे. तो देखिए हम सबसे पहले इसका मास कैलकुलेट करते हैं. तो वॉल्यूम हमारे पास में VML है, डेंसिटी इसकी 1.25 है. तो ये आ गया हमारे पास में इस सॉल्यूशन का मास. वॉल्यूम सॉल्यूशन का है, उसको डेंसिटी से मल्टीप्लाई किया तो सॉल्यूशन का मास आ गया. सॉल्यूशन का जितना भी मास होगा उसका 29.2% मास जो होगा वो HCl का होगा. तो ये HCl का मास आ गया और HCl का मोलर मास क्वेश्चन में गिवन है 36.5. नाउ अब ये जो हमारे पास में सॉल्यूशन है इसकी मोलैरिटी गिवन है और इसका वॉल्यूम गिवन है. प्रोडक्ट ऑफ मोलैरिटी एंड वॉल्यूम इन लीटर इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स. तो ये मोलैरिटी इसकी 0.4 है और वॉल्यूम लीटर में अगर हम कंसीडर करते हैं तो 200/1000 हो जाएगा. अब इसको इस V के लिए हमें सिंपल सा सॉल्व करना है और कुछ नहीं करना है. तो V के लिए आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा क्लियरली. बस इजीली मतलब डुएबल कैलकुलेशन है. कोई बहुत ज्यादा आई थिंक कैलकुलेशन इसमें नहीं नजर आ रही है मुझे. बहुत इजीली कैलकुलेशन कर लोगे क्योंकि ये तो यहाँ पे सिंपल सा हो गया. तो मुझे लग रहा है इसका जो प्रोडक्ट है वो इस 36.5 से इजीली रिलेटेड है. तो आप करके देखिए क्या आंसर आता है आपका. तो ये हमारे पास में इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये 8000 आ रहा है और ये वॉल्यूम जो है हमें यहाँ पे कुछ मैंने ये जो है यहाँ पे मोल्स आ गए थे हमारे पास में और ये जो है हमारा कुछ गड़बड़ हो गया क्या यहाँ पे कुछ छूट गया. सॉरी एक ये 1000 जो है हमारा और छूट गया है. 8000 आ रहा है तो ये 1000 जो है मेरा और छूट गया कैलकुलेशन के अंदर. तो अब ये इसको सॉल्व करेंगे तो ये 8 आ जाएगा. चेक कर लो इसको वापस से. मैं चेक कर रहा हूं. तो ये हमें ml में वॉल्यूम फाइंड आउट करना है और वॉल्यूम हमने यहाँ पे ml में ही लिया. ये वाला वॉल्यूम हमारा तो ये जो है हमारा रिजल्ट ml में आ जाएगा. आंसर जो है वो 8 ml आ रहा है. ये स्किप हो गया था मुझसे लिखना था. आइडिया हमारा सही था तो सॉरी फॉर दैट. तो नेक्स्ट देखिए इसका आंसर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 8 आना चाहिए और वो 8 ही हमारा ऑफिशियल आंसर है. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि यूजिंग द डेटा प्रोवाइडेड कैलकुलेट द मल्टीपल बॉन्ड एनर्जी इन किलो जूल पर मोल ऑफ ए सी ट्रिपल बॉन्ड सी बॉन्ड इन C2H2. दैट एनर्जी इज टेक द बॉन्ड एनर्जी ऑफ ए सी एच बॉन्ड एज 350 किलो जूल पर मोल. तो ये यहाँ पे हमारे पास में इथाइन का जो गैस फेज में एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन है वो गिवन है और 2 मोल कार्बन एटम का जो एंथैल्पी चेंज ऑफ एटोमाइजेशन है वो भी गिवन है और 1 मोल हाइड्रोजन गैस का जो एंथैल्पी चेंज ऑफ एटोमाइजेशन है या बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी है उसकी वैल्यू गिवन है. तो यहाँ पे देखिए किसी रिएक्शन के अंदर अगर हमें बॉन्ड एंथैल्पी अगर फाइंड आउट करनी है, बॉन्ड एनर्जी फाइंड आउट करनी है तो उस रिएक्शन का एक तो हमारे पास डेल्टा एच होना चाहिए और उसके अंदर जो वेरियस रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स हैं
उन सबके अंदर जो बॉन्ड्स हैं उनकी बॉन्ड एनर्जी होनी चाहिए. तो देखो कार्बन सॉलिड, दो मोल कार्बन सॉलिड है, इसकी बॉन्ड एनर्जी जो होगी वो बेसिकली एंथैल्पी चेंज ऑफ एटोमाइजेशन ही होगा. और एक H2H2 के अंदर जो बॉन्ड एनर्जी होगी वो HH का बॉन्ड एसोसिएशन, ये क्वेश्चन में गिवन है. और C2H2 के अंदर एक ट्रिपल बॉन्ड होगा और दो कार्बन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड होंगे, और कार्बन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी यहाँ पे गिवन है. तो सारे डेटा यहाँ पे गिवन है, अब आसानी से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं. तो रिएक्शन जो हो गई हमारे पास में वो टी, ये 2C इन सॉलिड स्टेट प्लस H2 इन गैस स्टेट गिव्स, ये मैं डायरेक्टली अब इसको लिख लेता हूँ. इथाइन जो है उसका फॉर्मूला हमारा ये हो गया. बस यहाँ पे हमें इसको सॉलिड से गैस में कन्वर्ट करना है. तो इस रिएक्शन का जो डेल्टा एच होगा, इस रिएक्शन के लिए जो डेल्टा एच होगा, बॉन्ड एंथैल्पी से रिलेटेड जब हम डेटा यूज करेंगे तो सम ऑफ बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ ऑल रिएक्टेंट माइनस सम ऑफ बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ ऑल प्रोडक्ट टाइप से हमें करना होता है. तो रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट हमें करना होता है. तो ये सबसे पहले तो हम यहाँ पे देखेंगे कि हमारे पास में ट्वाइस ऑफ एंथैल्पी चेंज ऑफ एटोमाइजेशन ऑफ कार्बन सॉलिड से गैस जाने के लिए एक इसका डेटा चाहिएगा हमें. और फिर हमारे पास में जो है वो क्या होना चाहिए, एंथैल्पी चेंज ऑफ HH बॉन्ड होना चाहिए. ठीक है, ये रिएक्टेंट में जितने भी टाइप के बॉन्ड्स हैं उनका एंथैल्पी चेंज आ जाएगा. और फिर प्रोडक्ट में अगर हम देखेंगे तो हमारे पास में एंथैल्पी चेंज ऑफ C ट्रिपल बॉन्ड C होना चाहिए प्लस ट्वाइस ऑफ एंथैल्पी चेंज ऑफ H बॉन्ड H होना चाहिए. तो इन सब की वैल्यूज को हमें सब्सिट्यूट कर देना है. तो देखिए सबसे पहले तो ये जो मेरा फैक्टर है इसकी वैल्यू क्वेश्चन के अंदर गिवन है. मैं बता देता हूँ कि इसकी क्या क्या वैल्यूज गिवन है. इसकी वैल्यू क्वेश्चन के अंदर गिवन है और वो वैल्यू गिवन है 225. डायरेक्टली रिएक्शन का डेल्टा एच जो गिवन है तो ये 225 हो जाएगा. किलो जूल के अंदर ही हम इन वैल्यूज को यूज कर रहे हैं. उसके बाद में देखिए कि ये जो पूरा फैक्टर है, ये जो एंथैल्पी चेंज ऑफ एटोमाइजेशन है दो मोल के लिए, तो दो मोल के लिए दे रखा है. इक्वेशन नंबर 2 को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो उस दो मोल के लिए दे रखा है. तो ये जो हमारे पास में हो जाएगा 1410. ठीक, और इसकी जो वैल्यू गिवन है वो बिल्कुल इसी के नीचे जो नेक्स्ट रिएक्शन है उसके अंदर इसी की वैल्यू गिवन है. ये जैसे मैंने बताया था 1410 हो जाएगा और ये जो है वो 330 वैल्यू गिवन है इसका. तो ये यहाँ पे मैंने 330 जो है वो पुटअप कर दिया, विद साइन पुटअप कर रहा हूँ इन सबको. तो ये आ गया हमारे पास में माइनस, इसका वैल्यू हमें आइडेंटिफाई करना है. ठीक है, अब ये जो वैल्यू हमें गिवन है क्वेश्चन के अंदर, यहाँ पे दो CH बॉन्ड है और एक CH बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी गिवन है 350. तो ये वैल्यू हमारे पास में 350 हो गया. तो इस वैल्यू को अब यूज करके हम यहाँ पे सब्सिट्यूट कर देंगे कि ये क्या होगा. तो इसका तो डेल्टा H हमें फाइंड आउट करना है प्लस ये 2 × 350 आ जाएगा. अब बस इसको सॉल्व करना है आपको और ये डेल्टा H ऑफ C ट्रिपल बॉन्ड C के लिए सॉल्व कर लेना है. तो डेल्टा H ऑफ C ट्रिपल बॉन्ड C की वैल्यू निकालेंगे तो ये सिंपल सा आपको पता लग जाएगा क्या होगा ये आंसर. तो बहुत इजी सा है. तो ये 225 इज इक्वल्स टू, इसको सीधा सा हम ऐड कर देते हैं तो ये 1740 आ जाएगा. सो 1740 हो गया माइनस ये डेल्टा एच ऑफ सी ट्रिपल बॉन्ड सी फाइंड आउट करना है और ये हमारा माइनस हो जाएगा 700. अब ये कैलकुलेशन वाला पार्ट है सो प्लीज यू कैन डू इट. तो डेल्टा एच ऑफ सी ट्रिपल बॉन्ड सी हमें फाइंड आउट करना है. तो 1740 माइनस 700 माइनस 225 सॉल्व करके इसको हम किलो जूल के अंदर रिपोर्ट कर देंगे और किलो जूल के अंदर ही हमें कैलकुलेट करने के लिए कहा गया है. तो ये चेक कर सकते हो कि आपका आंसर जो है वो क्या आ रहा है. तो ये 815 जो है आंसर आ रहा है इसका. तो 815 डी ऑप्शन में गिवन है. हम ऑफिशियल आंसर से चेक कर लेते हैं, ये डी ऑप्शन गिवन है. तो 2012 का पेपर 2 का ये हमारा क्वेश्चन है. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव कर लेते हैं. 2012 के पेपर 2 से ही ये हमारा क्वेश्चन है. तो इस क्वेश्चन में कह रहा है कि द रिवर्सिबल एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस अंडर एडियाबेटिक एंड आइसोथर्मल कंडीशंस इज शोन इन द फिगर. Which of the following statements is are correct?
तो ये यहाँ पे आप कर्व को अगर एनालाइज करेंगे तो देखिए यहाँ पे क्लियरली मेंशन है कि ये जो हमारे पास में कर्व है वो आइसोथर्मल और एडियाबेटिक टाइप के हैं, आइसोथर्मल एंड एडियाबेटिक टाइप का है। सो वी नो वेरी वेल कि आइसोथर्मल के अंदर टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं होता है, तो इसलिए टी वन इक्वल्स टू तो टी टू ही हो जाएगा हमारा, टी वन इक्वल्स टू टी टू होगा, नो चेंज इन आइसोथर्मल प्रोसेस, नो चेंज इन टेम्परेचर इन केस ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस, इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज नहीं आएगा एंड इंटरनल एनर्जी इज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, तो इंटरनल एनर्जी में चेंज नहीं हुआ तो इसलिए टेम्परेचर में चेंज नहीं होगा, सो टी वन इक्वल्स टू टी टू ये क्लियर है। एडियाबेटिक में अगर हम देखते हैं तो एडियाबेटिक के अंदर बेसिकली इंटरनल एनर्जी डिक्रीज हो जाती है तो टेम्परेचर भी डिक्रीज हो जाता है, कोई भी गैस एडियाबेटिकली अगर एक्सपेंड कर रही है, रिवर्सिबल एक्सपेंशन हो रहा है यहाँ पे, तो कूलिंग ऑब्जर्व होगी, तो टी थ्री इज लेस देन टी वन, ये सिंपल ऑब्जर्वेशन है, इसमें कैलकुलेशन करके भी हम शो कर सकते हैं बट वेरी इजी, यू हैव टू रिमेंबर दीज रिजल्ट्स टू स्पीड अप योर आंसर। तो ये जो हमारे पास में मैक्सिमम क्वेश्चंस अगर हमें अटेम्प्ट करने हैं तो कुछ रिजल्ट्स जो है डायरेक्टली हमारे पास में होने चाहिए। तो देखिए मैंने बताया था कि आइसोथर्मल के अंदर बेसिकली टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं होगा तो टी वन इक्वल्स टू टी टू, तो एक तो हमारा ए आंसर तो करेक्ट है ये, और दूसरा एडियाबेटिक के अंदर जो है टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है, सो टी थ्री इज लेस देन टी वन, टी थ्री इज लेस देन टी वन, तो ये यहाँ पे बी ऑप्शन हमारा आंसर नहीं होगा। अच्छा, आइसोथर्मल में इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज नहीं होगा और एडियाबेटिक के अंदर इंटरनल एनर्जी जो है वो डिक्रीज हो जाता है, तो ये जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी आइसोथर्मल में ग्रेटर देन चेंज इन इंटरनल एनर्जी इन एडियाबेटिक, क्योंकि वहां पे जो चेंज होगा वो कम हो रहा है और यहाँ पे जो चेंज है वो एक टाइप से ज्यादा होगा, चेंज नहीं हो रहा है, जीरो हो रहा है और वहां पे कुछ माइनस टू माइनस थ्री माइनस फाइव माइनस टेन इस टाइप से कुछ चेंज हो रहा है, तो डी ऑप्शन जो है हमारा वो भी करेक्ट है। अब जो सी ऑप्शन है इसमें बड़ा इश्यू है, क्योंकि वैसे तो नॉर्मली जब हमें कर्व दिया होता है तो हम एरिया अंडर द कर्व को यूज करके बता देते हैं कि कहाँ पे वर्क डन ज्यादा होता है, तो एरिया अंडर द कर्व इन केस ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस इज ग्रेटर देन द एरिया अंडर द कर्व इन केस ऑफ एडियाबेटिक प्रोसेस, तो इस एरिया अंडर द कर्व से क्लियरली नजर आ रहा है कि डब्ल्यू आइसोथर्मल इज ग्रेटर देन डब्ल्यू एडियाबेटिक, बट एक्सपेंशन जब होगा देन वर्क विल बी डन बाय द गैस, वर्क विल डन बाय द गैस एंड वर्क डन बाय द गैस इज कंसिडर एज ए नेगेटिव क्वांटिटी। तो अब केमिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से आंसर यही है, सी आंसर हमारा करेक्ट है, वर्क डन अंडर एरिया, वर्क डन जो होगा वो पीवी डायग्राम में जो एरिया अंडर द कर्व है वही होता है हमारा, तो एज ए केमिस्ट मैं यही कहूंगा कि सी आंसर जो है हमारा करेक्ट है, बट अगर कोई मैथमेटिशियन अगर इसमें आ जाता बीच में तो वो कहेगा नहीं नहीं डब्ल्यू आइसोथर्मल इज लेस देन डब्ल्यू एडियाबेटिक बिकॉज यहाँ पर जो है वर्क डन बाई द सिस्टम है तो वो नेगेटिव में जो वैल्यू होगी वो थोड़ा छोटा हो जाएगी, ज्यादा होगी, तो बोथ वे इट इज करेक्ट। तो हम चेक कर लेते हैं क्या है, देखिए विद साइन और विदाउट साइन का इश्यू है, केमिस्ट्री में नॉर्मली जो है साइन हम इंडिकेट करते हैं, साइन हमारा यही कहता है कि हमें जो है वर्क इज डन बाय द सिस्टम, वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, तो यहाँ पे एरिया अंडर द कर्व वाला जो कॉन्सेप्ट है वो हम लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे सीधा सीधा हमें दिखाई दे रहा है कि ये पीवी डायग्राम में एरिया अंडर द कर्व से हमें विजुलाइज करना है और कोई हमारे पास में डेटा वगैरह यहाँ पे नहीं गिवन है, तो मेरे हिसाब से ये सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। बट इसमें एक और इश्यू है कि अगर आप नहीं भी करते हो, ठीक है, मैग्नीट्यूड वाइज अगर देखते हो तो वो भी करेक्ट है, वो भी गलत नहीं है, तो हम चेक कर लेते हैं ऑफिशियल आंसर क्या कह रहा है। तो ऑफिशियल आंसर अगर आप देखोगे तो इसमें दोनों ही ऑफिशियल आंसर आ रहा है, विद साइन और विदाउट साइन के इश्यू की वजह से सी को इंक्लूड किया है या फिर नहीं किया है। तो यहाँ पे मेरा इंटरप्रिटेशन ये है कि ये जो ग्राफिकल स्टडी है उसके बेसिस पे हमें आंसर देना है, तो एरिया अंडर द कर्व इज ग्रेटर देन एरिया अंडर द कर्व इन पीवी डायग्राम इन केस ऑफ आइसोथर्मल इज ग्रेटर देन द एरिया अंडर द कर्व इन एडियाबेटिक प्रोसेस। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है वो 2013 का एक क्वेश्चन पेपर है, इससे आ रहा है। सो स्टैंडर्ड एंथैल्पीज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस लिक्विड वाटर एंड ग्लूकोज सॉलिड ग्लूकोज एट 25 डिग्री सेल्सियस आर गिवन। द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन पर ग्राम ऑफ ग्लूकोज, तो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन ग्लूकोज का निकाल लेना, वो पर मोल आएगा, उसको मोलर मास से डिवाइड करेंगे तो वो पर ग्राम आ जाएगा। वेरी इजी क्वेश्चन, कुछ नहीं करना है इसमें। तो मैं आपको इक्वेशंस बता देता हूं कि कैसे हमें इक्वेशंस को रिलेट करना है। एंथैल्पी चेंज ऑफ कंबशन ऑफ ग्लूकोज हमें फाइंड आउट करना है, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन पर ग्राम ऑफ ग्लूकोज।
तो ग्लूकोज होता है C6H12O6 और ये सॉलिड फॉर्म में होगा. ऑक्सीजन जो कि गैस फॉर्म में है उसके साथ रिएक्ट करेगा. तो जब भी किसी कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड का कंबशन करेंगे तो सारा का सारा कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में बाहर आ जाएगा और जितना भी हाइड्रोजन है वो सारा वाटर की फॉर्म में बाहर आ जाएगा. तो कंबशन जो है वो एटमॉस्फेरिक कंडीशन और 25 डिग्री सेल्सियस पे हो रहा है. क्वेश्चन को आप देखेंगे तो वहाँ पे वाटर की जो स्टेट है वो लिक्विड स्टेट ही रहेगी. तो अब ऑक्सीजन को अगर हम बैलेंस करेंगे तो ये 6 जो है H2O, तो 6 ऑक्सीजन यहाँ पे H2O के आ गए और ये हमें 6O2 यहाँ पे देना है. अब इस रिएक्शन का डेल्टा एच हमें फाइंड आउट करना है. तो इस रिएक्शन का जो डेल्टा एच होगा हमारा वो एंथैल्पी चेंज ऑफ कंबशन ऑफ ग्लूकोज हो जाएगा. इस रिएक्शन का डेल्टा एच निकालने के लिए हम इन सब का स्टैंडर्ड एंथैल्पीज ऑफ फॉर्मेशन यूज़ कर रहे हैं. और जब आप स्टैंडर्ड एंथैल्पीज ऑफ फॉर्मेशन यूज़ करते हैं किसी रिएक्शन के एंथैल्पी चेंज को प्रेडिक्ट करने के लिए, तो फिर हमें क्या करना होगा, सम ऑफ स्टैंडर्ड एंथैल्पीज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ऑल प्रोडक्ट्स माइनस सम ऑफ स्टैंडर्ड एंथैल्पीज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ऑल रिएक्टेंट्स, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करना है इस रिएक्शन के डेल्टा एच को फाइंड आउट करने के लिए. तो यहाँ पे हम यूज कर लेंगे स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और 6 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स हैं और फिर हमें लेना है यहाँ पे स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स लिक्विड स्टेट के अंदर और ये कार्बन डाइऑक्साइड हमारा गैस स्टेट में था. तो देखिए जितने भी प्रोडक्ट्स है उनका स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन का सम हमने फाइंड आउट कर लिया. अब रिएक्टेंट जितने भी है उनका स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन हम ले लेते हैं. तो ग्लूकोज का स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन गिवन है, एक ही ग्लूकोज का मोल है और 6 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन है, तो उसका स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन हम यहाँ पे ले लेंगे और इन सबको ऐड कर देंगे. अब इस इक्वेशन में हमें सब कुछ जो है सब्स्टिट्यूट कर देना, ये आ जाएगा हमारा और फिर जो हमारा आंसर होगा वो डेल्टा एच कंबशन पर ग्राम अगर हमें निकालना है तो ये हो जाएगा डेल्टा एच कंबशन. ये स्टैंडर्ड ही आएगा, स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ कंबशन ही आएगा. ये जो पर मोल है उसको 180 से हम डिवाइड कर देंगे तो ये हमारा जो है आंसर आ जाएगा. ये वैल्यू हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे. अब बाकी की वैल्यूज को देख लेते हैं कि ये हमारे पास में क्या है. सबसे पहले हम इधर से स्टार्ट करते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड का जो स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन है, ये जो वैल्यू गिवन है यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो ये वैल्यू हमें गिवन है स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस फेज. तो ये -400 किलो जूल में गिवन है, किलो जूल पर मोल, 6 मोल है तो इसलिए 6 से मल्टीप्लाई करना होगा. फिर वाटर के अगली अगर हम देखेंगे तो ये वैल्यू हमें यहाँ पे गिवन है, ठीक है, -300 किलो जूल पर मोल, तो ये वैल्यू आप यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे. और ग्लूकोज सॉलिड ग्लूकोज के लिए ये वैल्यू गिवन है यहाँ पे और ये वैल्यू है -1300 किलो जूल पर मोल और इसका एक ही है. अब क्वेश्चन में इसकी वैल्यू जो है वो नहीं गिवन है. बाय डेफिनेशन सभी सब्सटेंसेस की जो स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन होती है एलिमेंटल फॉर्म में वो जीरो हो जाएगा. अब इन सबकी वैल्यूज को यहाँ सब्स्टिट्यूट करके सिंपल कैलकुलेशन करनी है और मोलर मास ऑफ ग्लूकोज से हमें डिवाइड करना है टू गेट डेल्टा एच कंबशन पर ग्राम. ये जो हमारा डेल्टा एच कंबशन आएगा वो पर मोल के अंदर आएगा, तो ये बेसिकली इन किलो जूल पर मोल आया है ये. तो अब इस किलो जूल पर मोल को हमें किलो जूल पर ग्राम में कन्वर्ट करना है, तो मोलर मास से आपको डिवाइड करना है और ग्लूकोज का जो मोलर मास होता है वो 180 होता है. तो ईजी सा क्वेश्चन है, कैलकुलेशन पार्ट है, आप कैलकुलेशन करके चेक कर लीजिएगा इसका आंसर जो है वो क्या आ रहा है. ठीक है, देखिए एक तो मैं ये कह सकता हूँ कि जो मेरा आंसर आएगा वो या तो बी ऑप्शन होगा या फिर सी ऑप्शन होगा, क्योंकि ये कंबेशन हो रहा है, कंबेशन एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है. तो बी और सी में से जस्ट अब हमें बाहर निकलना है तो कैलकुलेशन करके ही बताना होगा कि क्या हमारा आंसर होगा. दो ही ऑप्शन है तो थोड़ा सा कुछ कैलकुलेशन करोगे तो आपको वहां से पता लग जाएगा. और इतना भी दिख रहा हमें कि ये कोई इतनी बड़ी वैल्यू भी नहीं होगी कि 2900 किलो जूल आ जाएगा ये. ठीक है, इसका ऑफिशियल आंसर देखेंगे तो वो सी आ रहा है. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 2013 का पेपर 1 है, इससे रिलेटेड है. एटॉमिक मासेस ऑफ हीलियम एंड नियॉन आर 4 एंड 20 एटॉमिक मास यूनिट रेस्पेक्टिवली.
The value of the de Broglie wavelength of helium gas at minus 73 degrees Celsius is m times that of the de Broglie wavelength of neon at 727 degrees Celsius. M is kya? Bada simple sa hai. Dekhi, aise questions jo hai, generally hum atomic structure mein bahut sare karte hain. ठीक है ना, एटॉमिक स्ट्रक्चर में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस करते हैं. अब यहाँ पर जो डी ब्रोगलीज वेवलेंथ का जो कॉन्सेप्ट है ड्यूअल नेचर का, तो वो सभी के लिए एप्लीकेबल होता है. मैक्रोमोलिक्यूल के लिए भी हम अप्लाई कर सकते हैं, माइक्रोमोलिक्यूल के लिए ज़्यादा सिग्निफिकेंट होता है ये. तो देखिए, आप जो हमारे पास में लेमडा होता है डी ब्रोगलीज वेवलेंथ, वो एच बाई एम वी होता है, और जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो हाफ एम वी स्क्वायर होता है. ठीक है, किसी मैटर पार्टिकल के लिए. और गैस पार्टिकल के लिए जब हम काइनेटिक एनर्जी देखते हैं तो वो 3/2 RT हो जाएगा. दैट डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर फॉर गैसियस सब्सटेंस. और ये किसी भी मैटर पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी का जो एक्सप्रेशन हो सकता है. तो अब यहां पे आपने एक और देखा होगा कि क्लास में आपको बताया जाता है कि डी ब्रोगलीज वेवलेंथ का जो एक्सप्रेशन होता है काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में, वो ट्वाइस ऑफ मास इनटू काइनेटिक एनर्जी. सो लैम्डा इज इक्वल्स टू एच अपॉन अंडर रूट 2mke. तो अब आप यहां पे सीधा सीधा जो है ke की वैल्यू को सब्सिट्यूट कर दो वहां से ला करके. तो लैम्डा इज इक्वल्स टू एच अपॉन अंडर रूट 2m, और ये जो हमारा ke आएगा वो 3/2 RT आ जाएगा. तो अब इस 3/2 RT के अंदर ये 2 तो हमारा एलिमिनेट ही हो जाएगा. तो लेमडा का एक्सप्रेशन बन गया किसी गैस की डी ब्रोगली वेवलेंथ निकालने के लिए, वो आ जाएगा हमारे पास में 3mRT. तो अब हम यहाँ पे देख लेते हैं कि जो हमारे पास में डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ हीलियम गैस जो है m टाइम्स ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ नियॉन गैस. तो इस m की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी होगी. तो m की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम ये कह सकते हैं कि m जो होगा हमारे पास में वो डी ब्रोगली वेवलेंथ हम ऐसे रिलेट कर सकते हैं. तो ये हीलियम की जो डी ब्रोगली वेवलेंथ होगी उसका एक्सप्रेशन हो जाएगा एच अपॉन अंडर रूट 3, और इसका मोलर मास कुछ 4 गिवन है इनटू आर. और हीलियम के लिए जो हमारा टेम्परेचर होगा, हीलियम के लिए माइनस 73 डिग्री सेल्सियस दे रखा है, दैट इज 200 हो जाएगा. और नियॉन के लिए जब हम देखेंगे तो ये एच अपॉन अंडर रूट 3 इनटू इसका मोलर मास, मॉलिक्यूलर मास जो गिवन है, एटॉमिक मासेस, वो 40 गिवन है. तो आर हमारा यही रहेगा, और इसका जो टेम्परेचर है वो 727 डिग्री सेल्सियस है. तो ये 1000 केल्विन हो जाएगा. टेम्परेचर हमेशा हमें केल्विन में सब्सिट्यूट करना है. तो अब इनकी वैल्यू को यहाँ पे प्लेस कर देते हैं. तो लेमडा ऑफ हीलियम अपॉन लेमडा ऑफ नियॉन जो आएगा हमारे पास में वो रूट ऑफ 3 इंटू 40 इंटू आर इंटू 1000 अपॉन रूट ऑफ 3 इंटू 4 इंटू आर इंटू 200. तो ये 3 हमारा कैंसिल हो जाएगा, आर जो है हमारा कैंसिल हो जाएगा. ठीक है, तो फाइनली हमारे पास में ये आ गया 40 इंटू 1000 अपॉन 4 इंटू 200 इन रूट. तो ये इसको सिंप्लीफाई आप करेंगे तो ये हमारे पास में 10 आ गया, और ये जो है हमारे पास में आ जाएगा 5 आ जाएगा ये. तो यहाँ पे सिंपल सा जो है हमारे पास में कुछ छूट गया है लगता है. क्या आ रहा वैल्यू देख लेते हैं. ये 10 हो गया हमारे पास में, और ये 0 से 0 चला गया तो ये 50 हो गया. तो 50 का रूट निकाल दो. कुछ गड़बड़ हो गया. एच अपॉन 3 इंटू 4 इंटू आर इंटू 200 हो गया. ये टेम्परेचर हमने यहाँ पे पुटअप कर दिया 3, ये 2 तो हमने एलिमिनेट कर दिया था. m 3 m RT वाली टर्म हमें यूज़ करनी है.
तो ये 3 × 40 × R × 1000 को वापस से अगर मैं चेक करता हूँ कि क्या कुछ छूट गया हमारा, तो ये आ जाएगा हीलियम अपॉन हमें ये करना है, तो हीलियम अपॉन हमें ये करना है, तो 40,000 × हमारा 4 हो गया है, 1000 × 4। तो ये मिस्टेक मैंने कर लिया यहाँ पे, सॉरी फॉर दैट। इसका जो एटॉमिक मास है वो 40 नहीं है, इसका एटॉमिक मास 20 है, सो सॉरी फॉर दैट मिस्टेक। तो ये हमारा 20 हो गया। तो हीलियम का जो लैम्ब्डा है और नियॉन का जो लैम्ब्डा है ये अब हमारा सिंप्लीफाई हो जाएगा, तो 3 × 20 × R × 1000 upon 3 × 4 × R × 200। तो ये आर आर हमारा कैंसिल हो गया, 3 3 जो है वो कैंसिल हो गया, तो अब ये 20 × 1000 upon 4 × 200 ये वैल्यू आ गई हमारे पास में। तो ये 0 से 0 हमारा चला गया और ये 2 से हमारा 10 चला गया, तो ये जो है आ गया हमारे पास में 100 upon 4। तो 100 upon 4 जो होगा वो 25 हो जाएगा, √25, और √25 जो आ जाएगा वो सिंपल सा क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो इसका आंसर जो है हमारा 5 आ रहा है। सो प्लीज अगेन, ये यहाँ पे जो मोलर मास मैंने सब्सिट्यूट किया है नियॉन के लिए, तो दैट वाज बाय मिस्टेक 40 प्लेस कर दिया था, बट ये क्वेश्चन के अंदर जो है 20 गिवन है, सो प्लीज जस्ट रेक्टिफाई दिस प्रॉब्लम एंड सॉरी फॉर दिस मिस्टेक। तो ये इस टाइप से हमने इस क्वेश्चन का जो है आंसर निकाल लिया और वो हमारा आंसर जो है वो 5 आ रहा है। तो ये हमने आज इस सीरीज में कुछ 2013 तक के जो क्वेश्चन पेपर है उनका डिस्कशन किया है। बाकी रिमेनिंग क्वेश्चन, अभी कुछ क्वेश्चन है इसी फिजिकल केमिस्ट्री क्लास 11th के, तो इनको हम नेक्स्ट सीरीज के अंदर करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस।